बताइए आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे, आप बताइए। देन आई विल टेल यू। जैसे आप देख रहे हैं बहुत कंफर्टेबल है एंड इट्स लिटिल सेक्सी आल्सो, इट हैज अ स्लिट एंड ऑल इन द आउटफिट। जो फैब्रिक है बहुत ही कंफर्टेबल है। मैं रियल लाइफ में मैं सिंथेटिक टोटली अवॉइड करती हूँ। आई ट्राई कि फिल्म्स में भी अवॉइड करें बट कभी कभी नहीं होता है। बट इट्स वेरी कंफर्टेबल। इट इज़ हैंडमेड बाय दीज क्राफ्ट्समैन इन ओरिसा एंड व्हेन शी टोल्ड मी दैट आई वाज लाइक दिस इज कीपिंग आवर इंडियननेस वेरी इंटैक्ट। द ज्वेलरी आई हैव इज वेरी वेरी कूल ऑल्सो। यू सी द मोटिव्स आई हैव ऑन माई हेयर एंड द डिटेलिंग इन टू इट, द क्वर्कीनेस। रियल लाइफ में मुझे पसंद है क्वर्की ज्वेलरी पहनना कुछ अलग। ये क्ले से बना हुआ है, वन ऑफ अ काइंड है। सो लाइक मी, सॉरी, हाँ जी, मैं मॉडल नहीं हूँ और मैंने मॉडलिंग नहीं की है एक्ट्रेस बनने से पहले। सो इट वॉज द फर्स्ट when I had walked for the first time as a showstopper, I remember and I was like, oh, it gets over so fast, like you just get on stage, you walk and it's over. But I've walked a couple of times now and it's quite fun. Since I've not been a model before, it's a new experience. And if you're the showstopper, koi daatta nahi hai aapko, you can walk however you want, wherever, do whatever you want. So kitna time laga kuch ko ready karne mein, kuch ko taiyar karne mein, walk karne mein? वॉक करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, बिकॉज यू रीच देन दे से गो 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 एंड देर सो मच लाइक एक्साइटमेंट गोइंग ऑन बैक स्टेज, इज हसलिंग एंड पीपल आर चेंजिंग फास्ट इन टू आउटफिट्स एंड ऑल। सो प्रिपेयर वैसे नहीं करते, सिर्फ वॉक करके आना है विथ लाइक डिवाइश एक्सप्रेशन। सो इट्स लाइक प्लेइंग अनदर कैरेक्टर आई गेस। यस, दैट्स वाई बिज द ट्रेलर। हम लोगों को इतना फीडबैक मिल रहा है और लोग पीपल आर गेटिंग सो एक्साइटेड विद जस्ट दैट। कल हमारा फर्स्ट सॉन्ग रिलीज़ हो रहा है जिसके लिए मेरे बाल लाल हम लोग ने कलर किए थे। वो फिल्म में नहीं है, इट्स द प्रमोशनल वीडियो ऑफ द फिल्म। सो दैट्स अ रीमिक्स ऑफ हरे राम हरे कृष्णा। सो आई कॉन्ट वेट फॉर पीपल टू वॉच दैट सॉन्ग। आई थिंक दैट्स टर्नड आउट रियली नाइस। एक और गाना है जो लद्दाख में शूट किया था, वो रोमांटिक सॉन्ग है, वो आई थिंक अगले 10 days में रिलीज़ होगा। बट आई फील कि जस्ट ट्रेलर के साथ एंड मैंने सिर्फ वो एक लाइन का है वो हैदराबादी एक्सेंट के साथ, पीपल हैव गिवन अ सो मच फीडबैक। नाउ आई एम वेटिंग, देवेंद्र सर और मैं रुके थे बिकॉज अभी फुल फिल्म में मैं वैसे बात करती हूँ। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। लोग मीम्स बना रहे हैं उसके, पीपल आर ट्राइंग टू से द लाइन इन देयर एक्सेंट। आई थिंक दैट्स वेरी वेरी स्वीट एंड वेरी हार्टनिंग। ओके, जैसे कि ट्रेलर में बताइए काफी अलग अवतार में दिखाई दे रहे हैं, अब इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। हाँ, मैंने एक बहुत ही अच्छे डिज़ाइनर जो यहाँ पर हैं, एज यू कैन सी, यू नो, मैंने उनका उनके कपड़े पहने हैं। इट्स बेसिकली इंडियन टेक्सटाइल डे एंड यू नो सस्टेनेबल फैब्रिक, और हमें इन्हें बहुत सारा प्रोत्साहन देना चाहिए बाय वेयरिंग दिस स्टफ, उनके कपड़े पहन के। एंड इट्स नॉट जस्ट ओवर हियर, क्योंकि हम लोग एक इवेंट पे आए हैं। आई थिंक हम लोग को यू नो हमारी निजी ज़िंदगी में भी पहनना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतने टैलेंटेड लोग हैं और हम लोग जाके इंटरनेशनल ब्रांड्स का को यू नो एनकरेज करते हैं, तो व्हाई कैन वी एनकरेज आवर ओन डिज़ाइनर्स। लुक एट दिस ब्यूटीफुल हैंडमेड, इट्स कम्प्लीटली हैंडमेड, एंड यू नो आस्क हर, यू नो दे गो थ्रू सो मच एंड मेक ऑल दीज थिंग्स एंड देन वी वांट टू गो टू अनदर यू नो इंटरनेशनल स्टोर। आई एम नॉट सेइंग द इंटरनेशनल स्टोर्स आर बैड, बट वी हैव सो मच टैलेंट हियर, हमारे यहाँ पर इतना टैलेंट है, तो हमें उनको भी एनकरेज करना चाहिए। आई थिंक इट्स फैब फैबुलस। To all the members of media and all the ladies and gentlemen. Well, I
I'd like to congratulate our lovely designer, Sailesh Singhania. I really feel that he deserves a big amount of applause for creating such beautiful sarees. The reason why I said beautiful is because of the fabric which is being used. It's a hand-woven khadi material which is being used for a rare gold saree, as we all can see. And with the times, I think the entire youth and the youth of our country is kind of forgetting our tradition, the actual tradition of the fabrics of our country, which is khadi, Mahatma Gandhi's khadi. So I would say that hats off to him for bringing it right back. And I feel fabulous. I feel beautiful wearing this beautiful sari. So yeah, this is my very first time that I'm wearing something like this. So yeah. I was really happy wearing it, and it's also inspired by nature, which is something which is really, which connects with every single person. So congratulations, Sailesh. Thank you so much. Just wait, can you do some light space? Do you have any questions? See, sarees are very Indian. We wanted all genders to wear the sarees. So people who are following the trend is most probably European trend people are going on right now. We incorporated European trend as a blouses, which is very flowy, smart. And club sarees with it. We tried out a couple of things. I think it worked out really well for us. They are looking fabulous. And even in Europe with the sarees, they look fabulous. So they will also follow our trend right now. How will you enhance the saree? Blouse, actually we made it really flowy. So we had to add frilling and all, etc. for it. To make it look more, you could say, like Western. Okay, yes, please look here. Are you? Yes. Just wait, wait. Thank you.